हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ दीपिका, दीपिका ब्यूटी सीक्रेट चैनल से। और आज मैं करने वाली हूँ अपने डमी के हेयर वॉश, क्योंकि बहुत बार इसके हेयर स्टाइल हुए हैं। तो एक्चुअली हुआ क्या है, हमारी जो डमी है जिनके हेयर पे हम हेयर स्टाइल करते हैं, तो उनके हेयर बिल्कुल हमारे जैसे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। किसी भी तरह का हम हेयर स्टाइल कर सकते हैं इनके हेयर पे, इसके हेयर पे कुछ भी वर्क कर सकते हैं। हम हाईलाइट कर सकते हैं, रिमोडिंग स्मूथनिंग कर सकते हैं। तो डमी के जो हेयर है वो रियल हेयर हैं। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, बट ज़्यादातर ये रियल ही होते हैं। और डमी बहुत तरह की आती है, बट जो हम जिस डमी पे हमें वर्क करना होता है वो डमी थोड़ी कॉस्टली आती है, और ये वाली वही डमी है। तो हेयर स्टाइल मैंने कितने बार किए हैं, तो मैंने तब से लेके हेयर वॉश नहीं किए इनके, तो मैंने सोचा कि इसकी भी वीडियो दे देती हूँ। अगर कोई न्यू पार्लर की वीडियोस बनाते हैं या फिर डमी पे हेयर स्टाइल करते हैं, तो उनको नहीं पता है अगर कि डमी के हेयर की केयर कैसे करनी होती है। जैसे आप अपने हेयर की केयर करते हो, सेम उसी तरह डमी के हेयर की भी केयर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने लिया है लोरियल का शैम्पू एंड कंडीशनर। तो आप कोई सा भी शैम्पू और कोई सा भी कंडीशनर ले सकते हो, और शैम्पू और कंडीशनर दोनों होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उनके शैम्पू कर दो और कंडीशनर ना करो, क्योंकि हेयर उनके थोड़े उसके सिल्की से नहीं होंगे और हेयर स्टाइल में हमें प्रॉब्लम होगी। तो हेयर की केयर बहुत ही अच्छे से करनी है डमी के भी, जिससे कि जब हम हेयर स्टाइल करते हैं तो बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आती है। उसके बाद शैम्पू करेंगे और अच्छे से इसके हेड मसाज देंगे, ताकि जितनी भी डस्ट है वो निकल जाए। कई बार हेयर स्टाइल करके हम ऐसे भी छोड़ देते हैं, और हेयर स्टाइल करते करते हेयर स्प्रे करना पड़ता है, शटिंग स्प्रे करनी पड़ती है, और उसके बाद कर्ल्स स्प्रे भी होती है और सीरम भी होती है। तो ज़्यादा टाइम तक हम उनके हेयर की केयर नहीं करेंगे तो हमारे हेयर स्टाइल में फिनिशिंग नहीं आती। अब ऐसा नहीं है कि उसके हेयर झड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ, उसके भी कॉम करने से बाल वैसे निकलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम केयर नहीं करेंगे तो बाल झड़ना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट हेयर वॉश करना है, कंडीशनर शैम्पू कंडीशनर करनी है, सीरम अप्लाई करना है बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने बहुत ही अच्छे से इसके हेयर वॉश कर दिया, अच्छे से शैम्पू कर दिया। उसके बाद मैं इसके करूँगी कंडीशनर। कंडीशनर करने के बाद मैं इसे टॉवल ड्राई करूँगी। टॉवल ड्राई करने के बाद मैं सीरम अप्लाई करूँगी। उसके बाद इसके हेयर आपके लास्ट में दिखाती हूँ कि कैसे हुए इसके हेयर।